हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज, राइट। और साथ ही साथ हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, और मेरा क्वेश्चन ये था कि न्यूक्लियस को किसने इंट्रोड्यूस किया, राइट बच्चा पार्टी। और डेफिनेटली उसका आंसर आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियर मॉडल रिप्रेजेंट किया था, और उसमें उसने न्यूक्लियस और न्यूक्लियंस के नाम दिए थे, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर्स में हम चार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें से हमारा पहला टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है। और अगर हम एंट्रेंस लेवल की बात करेंगे तो इस टॉपिक में से कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि उस प्रॉपर्टी के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड होगा यूनिट ऑफ द चार्ज, जो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस चार्ज है तो डेफिनेटली चार्ज के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे उन सभी में हमें इनके यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा। देन आफ्टर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास, यानी कि इन दोनों टॉपिक्स में हम क्या देखने वाले। पहले हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, एंड देन आफ्टर हम उन दोनों में क्या सिमिलियरिटी है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स, और आज के लेक्चर्स की हम शुरुआत करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से। अब चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है टाइप्स ऑफ चार्ज। बेसिकली आपको बता दूं कि ये जो टाइप्स ऑफ चार्ज है वो हमारे पास दो टाइप्स के अवेलेबल है, आपको पता ही होगा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी हम इसके बारे में जानते होंगे। बट आज हम इस लेक्चर्स में ऐसा डिस्कशंस करने वाले हैं कि उनका नाम किसने रखा, या तो क्यों ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो कोई नाम नहीं है, जस्ट वो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पॉजिटिव यानी प्लस एंड नेगेटिव यानी माइनस, वो जो वो दोनों एक मैथमेटिकल साइंस है, वो दिखाता है। जैसे कि अगर सपोज मैं आपको कहूँ 2 + 5, देन आप डेफिनेटली करने वाले हो 7, राइट। और अगर मैं आपको कहूँ 5 - 2, देन डेफिनेटली आप करने वाले हो 3। इट मीन्स कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म्स है वो एक मैथमेटिकल सिंबल्स है, तो वो सिंबल्स के नाम ये चार्ज को क्यों दिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात ये करते हैं कि चार्ज को नॉमिनेट किसने किया, नाम किसने दिया। तो उसका आंसर है कि चार्ज को नॉमिनेट करने वाला साइंटिस्ट था अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था और उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट बच्चा पार्टी। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर चार्ज को इन्वेंट करने वाला साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो फिर उसने ऐसा क्यों सोचा होगा कि भाई उनके नाम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखे, क्योंकि देखो हमारा बेसिक एक्सपीरियंस क्या कहता है, हम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स यानी 11th में देख के आए, भाई पावर होता था यूनिट दिया गया था वॉट, राइट, एनर्जी होता था यूनिट दिया गया था जूल, करंट होता था यूनिट दिया गया था एम्पियर, ठीक है। तो ये जो सारे साइंटिस्ट जो नया नया इन्वेंशन करने थे, तो अपने नाम्स को मिसाल बनाने के तौर पे वो लोग क्या करते थे, अपने खुद का नाम दे देते थे, राइट। तो सोचने वाली बात ये है कि जब बेंजामिन ने ऐसा सोच लिया, ऐसा ढूंढ लिया कि चार्ज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, तो उनने उनके नाम अपने नाम पर से क्यों नहीं रखे होंगे, ठीक है, या तो फिर क्या सोच के उन्होंने रखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके पीछे रीज़न बचा पार्ट ये है कि बेंजामिन जो है वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने जब एक एक्सपेरिमेंट किया, अब उनका एक्सपेरिमेंट कैसा था, उन्होंने एक प्लास्टिक रोड ली और सिमिलरली चार्ज हो ऐसे ग्लास रोड ली, और उन्होंने क्या किया कि उन दोनों को कॉन्टेक्ट करवाया। अब उन्होंने एक प्लास्टिक रोड ली थी जिसके ऊपर चार्ज था, तो डेफिनेटली हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है कि प्लास्टिक रोड के पास नेगेटिव चार्ज ही होगा और ग्लास रोड के पास ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन दोनों रोड्स को चार्ज करने के बाद उन दोनों को टच करवाया, और टच करवाने के बाद चेक किया तो उन दोनों पे जो चार्ज था वो जा चुका था, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब उसके पास कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं था। उसका मतलब ये होता है कि जब कोई दो चार्ज जो दोनों टाइप्स के चार्ज थे वो जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते थे तो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते थे, ठीक है।
तो यही सोच के बेंजामिन ने जो अपनी थियरी थी, अपने जो कॉन्सेप्ट थे, वो आगे बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने सोचा केमिस्ट्री के बेस पे। तो जब उन्होंने केमिस्ट्री के बेस पे अपनी सोच को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने नोट किया कि जब कोई एक सब्सटेंस लिया जाता है, कोई एक तत्व लिया जाता है, उसको अगर दूसरे कोई तत्व के साथ संयोजित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उन्होंने नोट किया कि केमिस्ट्री हमें यह सिखाता है कि कोई और एक तीसरा सब्सटेंस बन के बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, एक सोडियम एटम लिया, एक क्लोरिन एटम लिया, उन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमने देखा कि वो तो सोडियम क्लोराइड बन जाता था, राइट? मतलब कि जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ जोड़ा जाता है, तो वो तीसरे सब्सटेंस का स्वरूप लेता था इन केमिस्ट्री। और अगर सिमिलरली हम बायोलॉजी में भी बात करें, तो हमें पता है ह्यूमन प्रोडक्शंस के बारे में अच्छे से, कि जब कोई एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंबाइन होता है तो तीसरे प्रोडक्ट को जनरेट कर सकता है। बट इन मैथमेटिक्स सिर्फ एक ऐसी फील्ड थी कि जब कोई एक चीज को दूसरी किसी चीज के साथ जोड़ा जाता है, तो वहां पे आंसर जीरो मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो आप लिख सकते हो +5 +-5, राइट? तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला जीरो। तो ये ऐसा ही कुछ रिजल्ट उनको उनके एक्सपेरिमेंट पर से मिल रहा था, और उन्होंने नोटिस किया कि जब कोई एक पॉजिटिव चीज को एक नया नेगेटिव चीज के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका रिजल्ट जीरो मिलता है। इट मींस कि यहाँ पे भी ऐसा हो रहा था, जब किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के साथ मिलाया जा रहा था, तो रिजल्ट जीरो हो रहा था। और इसी सोच के बेस पे उन्होंने चार्ज के नाम रख दिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट बच्चा पार्टी? व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर ऑफ अ सेम मैग्नीट्यूड, द सम इज जीरो। दिस माइट हैव बीन द फिलोसॉफी, मतलब कि इसी फिलोसॉफी के बेस पे इन नेमिंग द चार्ज एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब हमने जो डिस्कशंस किए वो हमने नोट कर लिया, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो मेरे साथ नोट कर सकते हो, राइट? और सिमिलरली चार्ज के हमने नाम दे दिए पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है कि हम प्रोटॉन्स को पॉजिटिव कहते हैं और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चा पार्टी? और आपको एक चीज जान के एकदम ताजुब होगा कि सपोज इनिशियल टाइम पे अगर इलेक्ट्रॉन को हमने पॉजिटिव माना होता और प्रोटॉन को नेगेटिव माना होता, तो क्या कोई चेंज होता, राइट? तो उसका आंसर है नथिंग, राइट? कोई चेंज नहीं होता, बस हम इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव मान के चल लेते और प्रोटॉन्स को नेगेटिव मान के चल लेते, ठीक है? कोई चेंज होने वाला नहीं था, बट प्रणालीगत रूप से, रूढ़िगत रूप से हमने मान लिया है कि प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो अब हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे, राइट बच्चा पार्टी? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज विद द सेम इलेक्ट्रिक साइन रिपल इच अदर एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक साइन अट्रैक्ट इच अदर। यानी हम कह सकते हैं कि दो लाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्शन करेंगे, या तो हम कह सकते हैं कि रिपल करेंगे। जबकि तो अनलाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, यानी हम कह सकते हैं एक में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है? चलिए उसके बाद आती है उसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको कोई डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ काम करती है। और हमें पता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो एलजीब्रिक रूल्स को फॉलो करती है, यानी कि वो एडिस्टेबल होती है, ठीक है? मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज इज अ एडिटिव इन नेचर। एडिटिव यानी कि सपोज आपके पास दो कूलम चार्ज है, आपके तीन कूलम चार्ज और दे दिया तो टोटल चार्ज हो जाएगा 5 कूलम, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो टोटल आप सीधा डायरेक्टली उसको एडिट कर सकते हो या तो सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, राइट बच्चा पार्टी? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि इट डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी। मतलब कि अगर बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जब कोई एक बॉडी होती है उसका मास m, तो जब वो m मास की बॉडी v वेलोसिटी के साथ मोशन करती है, तो उसका जो मास होता है, उसका जो मास होता है वो m यानी डेल्टा m इज इक्वल टू m जीरो डिवाइड बाय 1 - v² / c². जहां पे जो ये m जीरो हमने नोट किया है वो है मास इन
स्टेडी कंडीशन, ठीक है, मास इन स्टेडी कंडीशन, मतलब कि जब हमारा जो बॉडी था वो स्टेबल कंडीशन में था, रेस्ट कंडीशन में था, तब उसका मास था m0, v इज अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट, ये आपको पता ही होगी, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट और लाइट वेलोसिटी बेसिकली होती है 3 × 10⁸, ठीक है बच्चा पार्टी। तो जब कोई बॉडी है m मास की जो बॉडी है अगर वो v वेलोसिटी से मूव होना शुरू करे तो जैसे जैसे उसकी मोशंस बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका जो मास है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट। बट चार्ज के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं होता, चार्ज कितनी भी वेलोसिटी से भले ही मूव कर ले कभी भी उसके मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन आता नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज क्वांटिटाइज, ध्यान रखे बच्चा पार्टी ये जो प्रॉपर्टी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चार्ज इज क्वांटिटाइज, उसका मतलब होता है कि द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट, एलिमेंट्री यूनिट का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एलिमेंट्री यूनिट के तौर पे सिलेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का चार्ज ये एलिमेंट्री यूनिट के परफेक्ट नंबर पे ही होगा, यानी हम कह सकते हैं कि द चार्ज ऑफ एनी बॉडी विल बी सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है, मतलब कि वो उसके पूर्ण गुणांक में होगा ऐसा हम कह सकते हैं, और इसी के बेस पे हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, जहां पे n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, राइट, और e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यानी कि ये जो वैल्यू है इसे हम कह सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी सेम मैग्नीट्यूड में होता है बट दोनों के साइंस अलग होते हैं, जैसे प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, बाकी दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, राइट। और ये जो इक्वेशन हमें मिल रहा है उस इक्वेशन को कहा जाता है चार्ज इज क्वांटिटाइज, मतलब मैं आपको इसे अच्छी तरीके से समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया था, एक सोडियम था, एक क्लोरीन था। अब ये जो सोडियम था उसको अपनी आउटर ऑर्बिट्स को कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए क्या करना था भाई, एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर थी, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, राइट, और इस क्लोरीन को सोडियम ऐड नहीं किया था, लीव किया था, ठीक है, इसने लीव किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, राइट बच्चा पार्टी, इन प्रीवियस क्लास से हमने इसकी बात की थी तो आपने नोट किया था। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लीव कर दिया तो डेफिनेटली इसके पास जो चार्ज आया था वो आया था +1 × e, 1 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, गेन किया था, तो यहाँ पे चार्ज आया था -1 e, राइट बच्चा पार्टी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी 5 इलेक्ट्रॉन्स को लीव करती है तो चार्ज क्या होगा, यस +5 e, मतलब इलेक्ट्रॉन को देना यानी पॉजिटिव चार्ज आना, इलेक्ट्रॉन को लेना यानी नेगेटिव चार्ज आना, राइट बच्चा पार्टी, समझ में आया, मतलब कि हमेशा जो चार्ज है वो e के फॉर्मेट में ही होगा, 1e 2e 3e 4e 5e -2e -5e, राइट, कभी भी हमें 1.3e 2/3e ऐसा कभी चार्ज मिल सकता नहीं है, ऐसा बताता है चार्ज इज क्वांटिटाइज्ड, राइट, मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नेवर बी +-1.17.2 1.2 ऐसा कभी हो सकता नहीं है, राइट। चलिए तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमने जब प्रीवियस क्लास देखी थी तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्वार्क्स के बारे में, अब जो क्वार्क्स था उसमें क्या था, तो कि भाई दो प्रकार के क्वार्क्स हमने देखे थे, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स का तो चार्ज था +2/3 इलेक्ट्रॉन, डाउन क्वार्क्स का चार्ज था -1/3 इलेक्ट्रॉन, राइट।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो क्वार्क्स के चार्ज है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं करते। आप देख सकते हो कि 2/3 तो पॉइंट समथिंग ही आएगी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज को देखें, क्वार्क्स के चार्ज को देखें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या जो क्वार्क्स होंगे वो क्वांटाइजेशन लॉ को फॉलो नहीं करते होंगे। बट बच्चा पार्टी याद रखिए कि ये जो क्वांटाइजेशन लॉ है वो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ और ना ही होगा, राइट। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर है कि ये जो क्वार्क्स है जिसके पास चार्ज मिल रहा है 2/3 - 1/3, बट ये जो क्वार्क्स है वो कभी भी अकेले नहीं मिले, मतलब कि आपको स्वतंत्र रूप से कभी भी अपक्वार्क्स नहीं मिला। अगर स्वतंत्र रूप से आपको अपक्वार्क्स मिलता तो आप कह सकते थे कि आपके पास चार्ज है 2/3, बट हमेशा अप के साथ क्या हुआ कि डाउन जुड़ा हुआ आया, ठीक है। इन फ्यूचर क्लास हम कभी देखेंगे कि जो प्रोटॉन है उसमें कितने क्वार्क्स जुड़े होते हैं, न्यूट्रॉन है उसमें कितने क्वार्क्स जुड़े होते हैं, और इन सब को मिला के जो हमें टोटल चार्ज मिला है वो हमेशा क्वांटाइजेशन के लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी मैंने जो अभी बात की वो यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसे पूरी तरीके से नोट कर सकते हो, राइट बच्चा पार्टी। चलिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व यानी हमने 11 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 में देखे थे कंजर्वेशन लॉ। हमारे फिजिक्स में टोटल चार टाइप्स के कंजर्वेशन लॉ है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी में एक था चार्ज कंजर्वेशन लॉ, राइट। याद रखे बच्चा पार्टी, मास कभी कंजर्व नहीं होता, ऐसा हम कंक्लूड कर चुके हैं, और ऐसा कंक्लूजन हमें दिया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने अपनी क्वांटम थियोरी में बताया था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इट मीन्स कि मास जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, एज वेल एज एनर्जी इज कन्वर्टेड इन मास, मतलब कि मास कंजर्व नहीं है। बट अभी तक के हमारे सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो यही दिखा रहे हैं कि चार्ज एक कंजरेबल क्वांटिटी है। चार्ज ना तो कभी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिर्फ एक बॉडी पर से दूसरी बॉडी पे ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है बच्चा पार्टी। यानी हमने देखा था, एक एग्जांपल लिया था हमने प्रीवियस क्लास में, कि अगर हमने किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, राइट, तो हमने देखा था कि ग्लास रॉड जो वो पॉजिटिव बनती थी, बट सिमिलरली हमारा जो सिल्क क्लॉथ था वो नेगेटिव चार्जेबल बनता था। अगर हम इनिशियल केस को ध्यान में ले तो ना तो ग्लास के पास कोई चार्ज था, ना तो सिल्क के पास कोई चार्ज था, टोटल चार्ज था जीरो। बट जब हमने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया तो नोट किया, एक पे पॉजिटिव आया, दूसरे पे नेगेटिव, और अगर हमने रिजल्टेंट चार्ज निकालने की ट्राई की तो दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा जीरो, राइट। यानी कि जितना चार्ज हमारे पास इनिशियली अवेलेबल था उतना ही चार्ज हमारे पास बाद में भी होगा, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, राइट। व्हेन बॉडी आर चार्ज बाय रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, नो न्यू चार्ज आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, राइट बच्चा पार्टी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा है यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेसिकली चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है। अब ये कूलम कहाँ से आ सकता है? तो आपको पता होगा, आप 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे करंट के बारे में। करंट का एक फॉर्मूला हुआ करता था I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो आप कह सकते हो विच इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब I यानी इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, T यानी टाइम, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड इज इक्वल टू कूलम। और ये जो यूनिट है कूलम वो साइंटिस्ट कूलम की याद में रखा गया है। जब आप उसको डिनोट करते हो सिर्फ वन डिजिट में तो आप लिखेंगे कैपिटल C, और अगर आप उसको पूरा लिखते हो तो याद रखे बच्चा पार्टी कि हमें उसको पूरे का पूरा स्मॉल में ही लिखना होता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। उसके दूसरे भी यूनिट है, और दूसरा यूनिट है सीजीएस यूनिट, राइट। सीजीएस यूनिट को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है।
और बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3×10⁹ स्टैट कूलम या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आपको याद रखना होगा ये जो यूनिट है वो हम काफी बार यूज करेंगे। ठीक है, और इन फ्यूचर 2-3 लेक्चर्स के बाद ही जब हम कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे तो इस यूनिट को हम डेफिनेटली यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद उसका एक तीसरा यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे कभी कभी शॉर्ट में EMU भी कहा जाता है। मतलब कि जब हम चार्ज मोशंस करेगा और वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, एट दैट मोमेंट वहां पे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का दूसरा नाम है एबी कूलम या तो एबी कूलम चार्ज। ठीक है, तो 1 एबी कूलम चार्ज इज इक्वल टू 10 कूलम। ठीक है, तो आप अभी तक ऐसा कह सकते हो कि सबसे बड़ा यूनिट चार्ज का हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसके बाद SI यूनिट, उसके बाद स्टैट कूलम यानी कि उसका CGS यूनिट। और काफी सारी बार जब हमें बड़ी मात्रा में आवेश की जरूरत होती है, एट दैट मोमेंट हम एक दूसरा यूनिट भी यूज करते हैं और उसको कहा जाता है फैराडे। ठीक है, और एक फैराडे यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। राइट, 1 मोल यानी आपको पता है एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 1 एवोगाड्रो नंबर यानी 6.023×10⁰³। तो अगर आप इस नंबर को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 फैराड, और 1 फैराड का फॉर्मूला होता है 1 फैराड इज इक्वल टू 96485.33 कूलम। बट बेसिकली हम यहाँ पे 96500 कूलम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखे बच्चा पार्टी, इतने यूनिट्स चार्ज के हैं जिसमें से हम ज्यादातर तो कूलम्स यूज करेंगे। कूलम्स में भी फिर माइक्रो कूलम, पिको कूलम, नैनो कूलम, क्योंकि बेसिकली कूलम जो है वो चार्ज का बड़ा यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो हम माइक्रो, पिको, नैनो ऐसे यूनिट्स को ही यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। अब हमने देखा था मास और चार्ज जो दोनों है वो मैटर की प्रॉपर्टीज है, बट उन दोनों में भी काफी सारी वेरिएशंस है। तो चलते हैं, हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो चार्ज एंड मास में पहला चेंज है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज जो है वो बॉडी पे नेट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट कभी भी किसी भी मैटर का मास जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। राइट, ये हो गया मेजर वेरिएशंस इन बिटवीन चार्ज एंड मास। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कैरीड बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हमने प्रीवियस ही बात की है थोड़ी मिनटों पहले ही कि जो चार्ज वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m जीरो डिवाइड बाय 1 - v² / c². राइट बच्चा पार्टी, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो हमने आगे भी देखा हुआ है कि जब दो लाइक चार्ज होंगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दो अनलाइक चार्ज होंगे तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बट हमने देखा है 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो डेफिनेटली उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप फोर्स है। राइट बच्चा पार्टी, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व। और हमने बात कर ली है कि मास जो है वो कंजर्व नहीं है, मास इज कन्वर्ट इन एनर्जी एंड एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्ट इन मास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला E = mc². और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटिटाइज। ठीक है, द क्वांटिटाइजेशन ऑफ मास इज एट टू बी एस्टैब्लिश। अभी तक ऐसा हमने कोई मास के लिए फॉर्मूला डिराइव नहीं किया। राइट बच्चा पार्टी, चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मास एंड चार्ज।
अब मास और चार्ज में क्या रिलेशन है उसे देखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी इज कैपिटल एम, इफ द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज एम वन, राइट, और मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज एम टू। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक बॉडी लेते, एक बॉडी है जिसका मास था कैपिटल एम, राइट। अब क्या हुआ कि अगर इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स लीव कर गए, राइट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लीव हो रहे यानी कि छोड़ के जा रहे, तो ये बॉडी जो होगी वो कैसी बन जाएगी, चलिए फटाफट से बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन जा रहे, यस डेफिनेटली, ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मास हो गया है एम टू। और सपोज इसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, यानी कि ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो चलिए बताइए कैसी चार्जेबल होगी। यस गुड, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे, ठीक है, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका मास हो जाएगा एम वन। तो चलिए आज का हमारा टास्क ये रहेगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा मास किसका होगा, ठीक है। तो सिंपल है बच्चा पार्टी, कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसके पास मास भी है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 into 10^-31 kg, राइट। तो सपोज मान लीजिए कि ये जो बॉडी थी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसके साथ साथ इसके मास को भी तो वो गेन करती है, तो जब वो उसके मास को गेन करती है तो डेफिनेटली ये जो हमारी बॉडी होगी एम वन, उसका मास इंक्रीज हो गया होगा। और अगर इन सेकंड केस हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने होते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका जो मास होता है वो भी लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी उसका मास लॉस हुआ होगा, और नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी ने मास गेन किया होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्जेबल बॉडी थी, यानी कि जिसका मास था एम वन, वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद न्यूट्रल बॉडी, और उसके बाद पॉजिटिव चार्जेबल बॉडी होगी उसका मास सबसे कम होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो याद रखिए ऑलवेज M1 किसका मास था भाई, नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी का, तो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी का मास जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी का मास जो है वो हमेशा सबसे कम होगा, राइट बच्चा पार्टी, समझ में आया। तो याद रखिए कि चार्ज के साथ साथ बॉडी के मास में भी वेरिएशंस होता है, राइट। आई थिंक ये पूरी जो कॉन्सेप्चुअल थियरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे मेथडोलॉजी ऑफ चार्जिंग, राइट। थैंक यू सो मच।